दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका मिलने के बाद अब आम आदमी पार्टी के एक और नेता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वक्फ बोर्ड मामले में पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्ला खां के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर राव जेवनियू कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। राव जेवनियू कोर्ट की एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने अमानतुल्ला खां को समन जारी कर 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा। दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अनियमितता के आरोपों की जाँच कर रही ईडी के समन पर अमानतुल्ला खां पूछताछ के लिए पेश हुए थे। उसी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। दरअसल वक्फ बोर्ड मामले में भर्ती को लेकर अनियमितताओं को लेकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। हाल ही में ईडी ने राव जेवनियू कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खां ईडी के समन पर जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी ने दलील दी है कि उसकी ओर से खान को समन भेजा गया था, लेकिन वो पूछताछ के लिए जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद अब कोर्ट ने आप नेता को समन जारी कर उन्हें अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। दूसरी ओर से दिल्ली शराब घोटाले मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया था। याचिका पर हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी सरकारी गवाह पर सवाल उठाने का मतलब कोर्ट पर सवाल उठाने जैसा है। सरकारी गवाह के बयान जज के सामने दर्ज किए जाते हैं।